दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलैडेक्स जेल के बारे में। इस जेल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसमें क्या कंपोजिशन होता है, इसकी मार्केट प्राइस क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इस जेल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इस जेल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डाइक्लोफिनिक सोडियम 2% वेट बाई वेट में, वर्जिन लिंसिड ऑयल 3% वेट बाई वेट और मिथाइल सैलिसिलेट 10% वेट बाई वेट में और मैंथॉल 5% वेट बाई वेट में इसके अंदर होता है। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं ये कार्य कैसे करते हैं, तो इसके अंदर जो डाइक्लोफिनेक है ये एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है और ये एनसेड क्लास की ड्रग होती है जो कि बॉडी में होने वाले दर्द को कम करने का काम करती है। और इसके अंदर जो लिंसीड ऑयल है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है जिससे कि जो बॉडी में सूजन होती है ये उसको कम करने का काम करती है। और इसके अंदर जो मिथाइल सैलिसिलेट है ये हमारी त्वचा को ठंडा या गर्म महसूस कराकर काम करता है और मस्तिष्क तक जाने वाले दर्द के संकेत को रोकता है और उस सूजन को भी कम करने का काम करता है। और इसके अंदर जो मैंथॉल है ये कूलिंग प्रॉपर्टी रखता है जो कि बॉडी में जहाँ पर भी दर्द हो रहा है वहाँ पर कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है और जो हमारे नर्व्स होते हैं उनको डायलेट कर देता है जिससे कि जो दर्द हो रहा है वह ठीक हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो इसके अंदर दवाएं होती हैं ये अपना अपना कार्य करती हैं। और अगर हम इस जेल की मार्केट प्राइस की बात करें तो ये जेल जो है आपको 160 रुपये में 30 ग्राम की पैकिंग में मिल जाता है और इस जेल को एल्केम लेबोरेटरीज कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और इस जेल को एक्सटर्नल यूज़ के लिए उपयोग में लाया जाता है, बाहरी प्रयोग के लिए। और अगर हम इसके यूजर्स की बात करें तो रिलैडेक्स जेल जो है ये एक दर्द निवारक जेल होता है। यदि किसी व्यक्ति को कमर में दर्द हो रहा है या फिर पीठ का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो या फिर जोड़ों का दर्द हो, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया हो या फिर साइडिका का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो या फिर किसी इंजरी के कारण कोई पेन हो रहा है तो वहाँ पर इस जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन हो तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें कि इस जेल को कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो इस जेल को अफेक्टेड एरिया जहाँ कहीं पर भी दर्द हो रहा है उस एरिया में आप इस जेल को लेकर हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं और इसे जो है दिन में 2 से 3 बार इसका यूज किया जा सकता है। और अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस जेल के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत ही कम देखे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो उसमें व्यक्ति इस जेल को जिस जगह पर अप्लाई करता है उस जगह पर उसको बर्निंग हो सकती है, उसको जलन सी हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये इस जेल के हो सकते हैं और ये किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी रिलैडेक्स जेल के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।